गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, नमस्कार सभी को। कल जो मैंने दूसरी क्लास ली थी उसमें यार बच्चे बहुत कम थे बाद में, है ना? सेकंड जो तो कहाँ चले गए थे यार? आपको बताया भी था कि कल वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल की सेकंड क्लास है, और आपका टेस्ट मैंने आज इसीलिए नहीं लिया कि कल उस क्लास में चार पांच ही बच्चे थे। मुझे लगा पता नहीं भाई अब तैयार भी होंगे कि नहीं, कभी टेस्ट भी बिगाड़ दे बिना मतलब। तो आपकी जगह फिर आज 10th का ही टेस्ट है, क्योंकि 10th का इस वीक टेस्ट है मंडे को ना, तो पहले मैं उन्हीं के ले रहा हूँ। नेक्स्ट वीक फिर आपके कुछ लेंगे इस तरह से टेस्ट। तो क्लास हमारी चल रही थी कौन से टॉपिक पे? एंगुलर प्रोजेक्टाइल पे। उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। भाई जिन बच्चों ने कल क्लास अटेंड नहीं की, क्या वीडियो भी नहीं देखा क्या बाद में? देख लिया सर। देख लिया होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना फिर आगे बात नहीं बनेगी अभी। तो आज की हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल पे तीसरी क्लास ले रहे हैं। एंगुलर प्रोजेक्टाइल पे थर्ड क्लास ये अभी स्टार्ट हो रही है हमारी। और मैं सीधी शुरुआत आज पहले तो आपको फॉर्मूले बता देता हूं, आप बताओगे मैं नहीं बताऊंगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला आया था बताएं? टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u sin θ बाई जी, याद है कि नहीं? मैक्सिमम हाइट रीच्ड उसका क्या फॉर्मूला आया था पिछली क्लास में? u² sin²θ/2g। एच को ही बोलते हैं मैक्सिमम हाइट रीच। अब उसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी है तो u² / 2g होगा, लेकिन इसको भी मैक्सिमम हाइट रीच ही बोलेंगे। उसमें रेंज इसका क्या फॉर्मूला आया था? u² / g sin²θ। यस, u² / g sin²θ। उससे अगली चीज, अगर आर मैक्सिमम करना है तो थीटा कितना लेना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। और आर मैक्स होगा कितना? होगा कितना आर मैक्स? u² / g। u² / g। उसके बाद मैंने बताया था गैलीलियोज लॉ ये था कि इफ R1 = R2, अगर दो अलग अलग एंगल्स पे रेंज सेम आती है तो उन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री होगा। पढ़ा था ये हमने, इतनी बातें हम कल कर चुके हैं, और एक इक्वेशन उपपाद थी वो भी आपको याद होगी। अब मैं आज की क्लास की शुरुआत सबसे पहले एक सवाल से कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। एक एक सवाल लेंगे और उनमें कॉन्सेप्ट देखते चलेंगे क्या है। सपोज आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल। ये थोड़ा ध्यान देना है कि हॉरिजॉन्टल से पूछा है कि वर्टिकल से। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब नॉर्मली जो थीटा होता है वो हमें निकालना है। अब कुछ भी कंडीशन वो दे सकता है क्वेश्चन में। जैसे मान लो आपको दिया गया कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है जहां तक वो पार्टिकल जाएगा वो मैक्सिमम हाइट से डबल हाइट तक दूरी तक जा रहे हैं, सच दैट द रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज इज ट्वाइस ऑफ
मैक्सिमम हाइट रीच्ड, इन्होंने ना यू दिया ना कुछ और, बस ये क्वेश्चन दे दिया कि रेंज जो है वो एच से डबल है, तो आपको ये बताना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। कैसे करें इस सवाल को, आप कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? यस सर। कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए एक बार, क्या करना चाहिए। मैं वेट कर रहा हूं, आप थोड़ा जल्दी अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं समझाऊं यहां पे। तब तक मैं फॉर्मूले लिख लेता हूं, आर यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन टू थीटा, एच u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। मुझे थीटा निकालना है और गिवन है कि r इज इक्वल टू टू टाइम्स h, ये है। क्या u नहीं पता, इससे कोई दिक्कत आनी है इस इक्वेशन में? नो सर। ये तो कैंसिल ही हो लेना है, आपने r की जगह रखा u स्क्वायर बाई जी इंटू साइन टू थीटा, एच की जगह रखा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, और आर बराबर टू एच है तो इसको टू से मल्टीप्लाई किया। मैं एक बार सुनो, मैं पंखा चलाता हूं क्योंकि गर्मी ज्यादा लग रही है, और अगर डिस्टरबेंस लगे आवाज में तो बता देना, नहीं तो देखते हैं पंखा भी चला के यार, ज्यादा डिस्टर्बेंस हो तो बोल देना। अच्छा अब मैं बोल रहा हूं, अब देखिए इधर, वैसे पंखे की आवाज तो आई है लेकिन मैं भी तेजी बोलूंगा, देखो इधर, ये मेरी आवाज आ रही है, समझ में आ रही है अभी? अरे बताओ मेरी आवाज समझ पा रहे हो या डिस्टर्बेंस ज्यादा है इससे? आ रही है, समझ आ रही है। ठीक है, तो देखिए टू से टू कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, और हमारी इक्वेशन आ गई साइन टू थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सोल्व कैसे करें? साइन टू थीटा को खोल देंगे, टू साइन थीटा को थीटा से साइन थीटा से स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो साइन टू थीटा हमने खोला और ये बना टू साइन थीटा कोस थीटा, और उधर ओनली बचा है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, उस साइड ओनली बचा था साइन स्क्वायर थीटा। मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूं, हमने ये कंडीशन लगाई आर इज इक्वल टू टू एच, तो आर में रखा यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन टू थीटा, साइन टू थीटा को हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा कोस थीटा, टू टाइम्स एच, एच को आप लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाई टू जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा गया, टू से टू गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, और जी से जी गया, ये आया कोस थीटा इधर है, साइन थीटा उधर है, और टू उधर, कोस को उधर ले जाओ और टू को इधर ले आओ, तो टू बराबर टेन थीटा। हाँ जी बोलिए, आगे यहां तक एंगल कितना है, कैसे बताएं एंगल? आपको अगर नहीं पता तो आप एंगल को लिख के आ सकते हैं टेन इनवर्स टू, टेन इनवर्स टू, लेकिन कभी अगर आपको याद हो मैंने स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल्स में कुछ एंगल्स बताए थे टेन थीटा में, 63 डिग्री बताया था, बताओ 63 डिग्री आया था, है ना? तो टेन इनवर्स टू इज नियरली, भाई ये नियरली होते हैं, एग्जैक्टली नहीं होते, कुछ मिनट भी होती है इनमें, छह मिनट सात मिनट वो हमें याद नहीं करने, नियरली 63 डिग्री आ जाएगा, डिपेंड करता है आपके ऑप्शन किस तरह से हैं, ये टेन इनवर्स में हो तो यही चूज करना है, और अगर ऐसे ऑप्शन हो 54 डिग्री 10 मिनट 63 डिग्री 8 मिनट तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो 63 के पास है वो हमें लेना है। मिनट मतलब वो बताया था ना कभी, मिनट क्या होता है, ये आर्क मिनट। यस सर। ठीक है चलिए, अब ये सवाल इस तरह से किया, हो सकता है आप कभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अटक जाएं, तो इसके लिए एक अल्टरनेट मेथड ये है कि आप एक फॉर्मूला याद रख के चले, एक फॉर्मूला याद रख के चले, आज वाली क्लास में बेसिक काम की बजाय ये इस तरह के काम ज्यादा होंगे, एक फॉर्मूला आप याद रख के चले, और फॉर्मूला क्या है, आर बाई एच इज इक्वल टू फोर बाई टेन थीटा। एंगुलर प्रोजेक्टाइल में आर एच और थीटा में ये रिलेशन होता है, कैसे होता है मैं अभी प्रूव ही करूंगा, लेकिन ऐसे सवालों के लिए
अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करूं। क्वेश्चन में क्या दिया है, आर कितना है, आर की वैल्यू कितनी है? अरे नहीं, ये तो फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, आर कितना है? ट्वाइस ऑफ एच। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में आर की जगह 2h रख दूं तो 2h by h is equal to 4 by 10 थीटा। और देखो एक स्टेप में आंसर आ रहा है, वो तो सोल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ रहा है 10 थीटा is equal to 2 यानी कि थीटा 63 डिग्री। तो पहली बात, क्या ये फॉर्मूला याद हो जाएगा हमें एंगुलर प्रोजेक्टाइल में? ठीक है, कैसे आया अभी अभी निकाल के बताता हूँ कि ये फॉर्मूला आया कैसे। दूसरी बात ये कि अगर एंगल विद द वर्टिकल पूछा होता बाई चांस तो आपको ध्यान रखना है 63 डिग्री नहीं बल्कि 90-63 आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से जो हमने सीखा है, एक फॉर्मूला सीखा है कि भाई आगे से अगर ऐसा सवाल आए तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। इस क्वेश्चन से अब ये फॉर्मूला देखते हैं कि किस तरह से डराइव हुआ है, वो हम देखें। देखो यार ये मोबाइल ना हिल रहा है बार बार, मैं पंखा बंद ही कर देता, शायद स्क्रीन थोड़ी हिलती हुई नजर आ रही होगी। आर का फॉर्मूला है यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन टू थीटा, तो टू साइन थीटा कोस थीटा। एच का फॉर्मूला है ये रहा यू स्क्वायर बाई टू जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा साइन थीटा। आप जब दोनों को डिवाइड करोगे तो यू स्क्वायर बाई जी से यू स्क्वायर बाई जी गया और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा गया, आप देखो क्या बचा, ये बचा आर बाई एच इज इक्वल टू, उसमें तो ऊपर बचा टू कोस थीटा और इसमें नीचे बच रहा है साइन थीटा बाई टू। ये टू ऊपर जाके फोर बना एंड कोस अपॉन साइन होता है कोट थीटा, एंड कोट थीटा को आप लिख सकते हैं वन अपॉन टेन थीटा। तो आपका आर बाई एच का फॉर्मूला आ गया 4 अपॉन टेन थीटा। बताओ क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। आज का दूसरा सवाल, उसमें भी हम सीख रहे होंगे कि शायद कोई और इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए ताकि उस तरह के सवाल भी जल्दी होने लग जाए। देखिए दूसरा सवाल, पहले हम नॉर्मल मेथड से ट्राई कर लेंगे और फिर उसके बाद सोचेंगे कि क्या है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और हमें कोई प्रोजेक्टाइल दिया गया है कि भाई 45 डिग्री पे इसे प्रोजेक्ट किया है, बस इतना दिया गया है। इस तरह से हमें गिवन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है कि 45 डिग्री से ये प्रोजेक्ट हुआ है। और सपोज कीजिए एक पॉइंट दे रखा है भाई, जहां से ये पास हो रहा है वो पॉइंट है 2 मीटर 1 मीटर, मतलब इस जगह x तो 2 है, समझ गए ना आप इसका क्या मतलब है, और इस जगह y 1 मीटर है। ये इस तरह की कोई जानकारी दे दी कि इस एक्स वाई प्लेन में ये इसका मोशन है। अब आपसे पूछा जाए कि r बताओ h बताओ, u नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा u के बारे में। एक तो आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो रेंज और एक मैक्सिमम हाइट रीच्ड, ये बीच वाला h कितना होगा। अब करो ये ट्राई, कैसे करें, रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों निकालने हमें, कोई सा भी फॉर्मूला ले लो, यू की जरूरत तो पड़ेगी जबकि यू तो दे ही नहीं रखा इन्होंने। अब कैसे करें ये क्वेश्चन, कर रहे हो ट्राई कर रहे हो, स्टार्ट किया आपने? यस सर। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन टू थीटा, भाई थीटा दे रखा है, थीटा कितना है 45 डिग्री, हमने पुट कर दिया थीटा इसमें पुट किया तो रेंज कितनी आई यू स्क्वायर बाई जी, यू नहीं पता हमें, कोई बात नहीं। एच का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, अच्छा जी थीटा दे रखा है, थीटा 45 डिग्री, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/4 1/2 और 2 क्या बन जाएगा नीचे 1/4, तो यहां से मेरा h आ गया u स्क्वायर बाई 4g। अब क्या करें, हम आगे कैसे बढ़े ये बताओ आप। इससे आगे हम u कहां से निकाल के लाएं, क्योंकि u आएगा तब रेंज आएगी और तब ही h आएगा, तो u कहां से निकाल के लाएं,
इसका क्या यूज कर सकते हैं इस पॉइंट का, 2 मीटर 1 मीटर, ये जो पॉइंट है हमारा दूसरा सवाल चल रहा है, इस पॉइंट का जब रेंज, जब रेंज 2 मीटर है तो हाइट 1 मीटर है, रेंज क्यों बोल रहे हो उसे हाइट क्यों बोल रहे हो, और कुछ बताओ कैसे हम इसका यूज करें इस पॉइंट का। ये पॉइंट आपको क्या बता रहा है सुने, ये पॉइंट आपको बताता है कि जब एक्स 2 मीटर है, रेंज मत बोलो इसे, तो वाई 1 मीटर है, तो बताओ एक्स और वाई में जो रिलेशन होता था उसे क्या बोला करते थे हम, जो हमने याद किया था पहले, जब पार्टिकल यहां चलेगा तो एक्स और वाई के रिलेशन को क्या बोलते थे हम, इक्वेशन ऑफ पाथ, ये नाम दिया था हमने इसको, रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स को, तो वही तो मुझे यूज करना पड़ेगा ना, मुझे एक पॉइंट दे दिया तो मुझे अभी यूज करना पड़ेगा, तो बताओ क्या थी इक्वेशन ऑफ पाथ का, वाई इज इक्वल टू, बोले आगे फॉर्मूला बोलिए, एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इनटू जी अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इनटू एक्स स्क्वायर, क्या यही था क्या बताए, यही थी आपकी इक्वेशन ऑफ पाथ। यस सर। अब इसका यूज यहां करना पड़ेगा, यहां किस इक्वेशन में जब आप x को 2 रखोगे तो y 1 होगा, ये आपको यूज करना पड़ेगा, तो आपने इसमें x को 2 रखा और y को 1, तो y की जगह 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 थीटा, थीटा है 45 डिग्री, 10 45 कितना होता है 1, तो ये तो हट गया, माइनस g अपॉन 2 यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, 2 से 2 गया और इनटू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 2 का स्क्वायर 4, आया समझ में कैसे इक्वेशन बनाई। yes. तो इसको पूरे को इधर उठा लो, तो 4g अपॉन u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - 1, इधर वाला उधर गया, तो 4g अपॉन u स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और मेरे पास u स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4g, मुझे u स्क्वायर ही चाहिए था, मेरे पास u स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4g, तो बताओ रेंज कितना है सर 16, 16 कैसे हो गया, दोबारा देखो u स्क्वायर 4g 4 आ रहा ना समझ में कैसे निकाला है। यस सर। यस सर। आप इसमें 4g पुट करेंगे तो आ आया u स्क्वायर की जगह 4g बाई जी, जी जी गए 4 मीटर, हाइट बताओ कितनी आएगी, u स्क्वायर की जगह 4g बाई 4g कितना आया 1 मीटर। चलिए अब बताओ इक्वेशन ऑफ पाथ का क्या यूज होता है क्वेश्चन में, समझ में आया किस तरह से हमने लिया, क्लियर हो रहे हैं ना ये सवाल कैसे हम करते जा रहे हैं। अब मैं यहां आपको एक और नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, सुनिए ये तो हो गया, ऐसे किसी सवाल में मैं आपको एक और इक्वेशन दे रहा हूं, पहले हम वो याद करेंगे फिर वो प्रूव भी करेंगे। इक्वेशन ऑफ पाथ का रेंज की टर्म्स में एक और एक्सप्रेशन होता है, एक और इक्वेशन होती है, क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 - x/r। एक पहली बात ये इक्वेशन याद करेंगे, फॉर्मूले तो देखो याद करने चाहिए, आप एग्जाम में साइंटिस्ट नहीं बन सकते कि मैं तो सब कुछ ही बस सोल्व ही करूंगा अपने आप ही निकालूंगा, आप कुछ चीजें याद करके जाएंगे तो पेपर टाइमली होगा, जल्दी होगा और हो भी पाएगा पूरा। देखो ये वो इक्वेशन है तो आप जो आप तब यूज करें जब y और x कोई पॉइंट दिया हो और रेंज निकालनी हो, जब भी कोई पॉइंट दिया हो रेंज निकालनी हो एंगल पता हो तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लगाएं। अब इसमें पुट कीजिए थीटा कितना है 45 डिग्री एंड एट x इक्वल टू 2 y कितना है 1, तो डायरेक्ट रेंज आएगी, उसमें इतना सोचना पड़ा डायरेक्ट रेंज आएगी, करवाए इसमें पुट y की जगह क्या रखू मैं 1 इज इक्वल टू x की जगह 2 tan 45 डिग्री सर 1 इंटू 1 माइनस एक्स की जगह 2 बाई आर। देखते हैं ये 2 इधर गया तो 1/2 इज इक्वल टू 1 - 2/r, 2/r को इधर उठा लाओ 1 - 1/2, 1 - 1/2 होता है 1/2, तो 2/r इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या डायरेक्ट रेंज आएगी नहीं 4 मीटर एक ही अकेली इक्वेशन से, ठीक है। और अब मुझे h निकालना था हाइट, वो कैसे निकालें, आज ही पढ़ा पिछले क्वेश्चन में क्या रिलेशन मैंने आपको याद करवाया वो बताओ,
बताओ। सर आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर फोर अपॉन अपॉन एक्स इज थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 10 थीटा। तो देखिए आर आ चुका है 4 मीटर, एच हमें निकालना है 4, और टेन 45 होता है 1, तो देख लीजिए क्रॉस कर लीजिए कुछ भी कीजिए, एच कितना आया 1 मीटर। तो क्या इस इक्वेशन ने थोड़ा जल्दी सॉल्व नहीं करवा दिया? उसमें तो हमें पुट करना पड़ा, ये डायरेक्ट अब ये याद होंगी तभी तो ये चीजें। अब इसको प्रूव कर लेते हैं। देखो आज अभी तक मैंने 2 सवाल दिए हैं, एक रिलेशन पिछले सवाल में सिखाया उसको फिर प्रूव किया, एक रिलेशन इस सवाल में सिखा रहा हूं। मैं आपको क्वेश्चन देके फिर रिलेशन बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा याद रहे कि भाई कहां ये चीज यूज करनी। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं, ये वाला जो रिलेशन है इसका प्रूफ देखते हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ बोलिए क्या थी, जो जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ थी जो हमने याद की थी वो क्या थी? वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2u² cos² थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर मैं क्या करूं, मैं इस सेकंड फैक्टर को टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर लूं और टेन थीटा से डिवाइड कर लूं, कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में से मैंने एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया, जिस तरह की फॉर्म मुझे बनानी है उसके लिए। पहली टर्म में तो 1 ही बचा, दूसरी टर्म में ऊपर देखो एक तो जी बचेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स बचेगा, टेन थीटा ऊपर वाला गया, नीचे 2 टाइम्स u² cos² थीटा और एक बच गया नीचे टेन थीटा। उस नीचे वाले टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बताएं क्या ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक सर। है, अब एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कैंसिल हो गया, 2 cos θ sin θ, 2 sin θ cos θ क्या होता है? 2 sin θ cos θ क्या लिखूं इसको समेट के? sin 2θ। तो नीचे अगर मैं इस 2 को हटा दूं, इस cos θ को हटा दूं और इस sin θ को हटा दूं, तो नीचे बना sin 2θ। अब ये जो g है इसको उठा के नीचे भी ला सकते हैं, ये जो g सबके ऊपर बैठा है ये यूं ही तो एक ही तो बात है। ठीक है, और ये ब्रैकेट में क्या बन गया u² sin 2θ / g, किसका फॉर्मूला होता है? किसका फॉर्मूला होता है u² sin 2θ / g? r। तो इसको हटा के मैंने लिख दिया r। आप बताएंगे यही फॉर्म अभी बताई थी मैंने आपको, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 - x / r। समझ में आती जा रही है ना चीजें, क्या क्या हम कर रहे हैं ये इन सब पॉइंट्स निकाल के और इस तरह से। ठीक है, चले आगे बढ़े तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल पहले लेंगे फिर देखेंगे कि क्या मतलब है, और फिर इसी तरह से कोई रिलेशन, ये रिलेशंस आपको चैप्टर एंड में अपने इकट्ठे करने चाहिए जब भी कोई चैप्टर पूरा होता है, अभी क्या क्या सीखा हमने इस चैप्टर में, ताकि वो रिवीजन टाइम में याद रहे। मान लो जैसे फिर से दे दिया जाए कि उतने ही एंगल पे ले लेते हैं 45 डिग्री पे एक पार्टिकल, ये तीसरा सवाल स्टार्ट हो रहा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मैंने एंगल चेंज नहीं किया, वैसे ही कुछ भी हो सकता था, पर इसमें थोड़ा फायदा रहता है, टेन 45 वन हो जाता है। ये 45 डिग्री पे आपने कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। अब एक नई चीज जैसे यहां पूछ ली जाती कई बार कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, व्हेन द पार्टिकल इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक अलग चीज है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक अलग चीज है। इन्होंने एक नई चीज पूछी है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या मतलब क्या है इसका, अगर मैं थोड़ा डायग्राम से समझाऊं आपको ये चीज क्या मतलब है, देखिए ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, ये वाई एक्सिस है वर्टिकल।
आपने किसी चीज को यूं प्रोजेक्ट किया है और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो आपका 45 डिग्री ये दिया गया है। पूछा यह है कि जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है मतलब यहां उस समय एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर आप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से देखें तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अगर आप इस समय उस पर नजर डाल रहे हैं तो आपको कितना ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा इसे बोल देते हैं हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। पहले तो ये बताओ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब आ गया समझ में क्या होता है? Yes, sir. देखो मैंने यहां से फेंक दिया उसे मैं उसको देख रहा हूं इनिशियली तो मैंने प्रोजेक्ट किया वो यूं गया लेकिन अब धीरे धीरे वो नीचे आएगा। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे तो मुझे किस एंगल पे अपनी आंखें ले जानी पड़ रही हैं हॉरिजॉन्टल के साथ देखने के लिए ये आपका होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को थीटा बोलूं तो मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को कोई भी एंगल और कुछ भी नाम दे दो बताओ क्या बोले एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को? फाई लो फाई कुछ भी आप कहेंगे अल्फा बीटा गामा फाई जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। मान लीजिए फाई बना दिया तो मुझे अब आ गया आपको सवाल समझ में क्या करना है क्या नहीं? तो करो ट्राई फिर से सोल्व करेंगे और फिर एक अच्छा रिजल्ट लेके सोल्व करेंगे और फिर उस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो आज की क्लास का तरीका क्या है वो समझ में आ रहा है ना आपको किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं? तो कीजिए आप ट्राई कीजिए पहले फाई निकालने के लिए आप ये ट्रायंगल कंप्लीट करो ये ट्रायंगल ये बताओ ये लेंथ कितनी है इन टर्म्स ऑफ रेंज ये लेंथ कितनी है बोलिए इन टर्म्स ऑफ रेंज ये लेंथ कितनी है आर बाई टू इन टर्म्स ऑफ हाइट ये तो एच ही है आप बताओ तो कैसे निकालो फिर मैं फाई अगर मुझे थीटा पता है तो आप टेन फाई निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से। लो मैं डायरेक्ट आपको पहले रिलेशन ही बताता हूं मतलब वही डायरेक्ट कराता हूं ताकि आगे से ऐसे सवालों के लिए हम डायरेक्ट रिलेशन याद करें। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप टेन फाई बोले कि कितना है एच अपॉन पूरा बोलो एच अपॉन आर बाई टू एच अपॉन आर बाई टू टू ऊपर गया टेन फाइव इज इक्वल टू टू एच बाई आर मुझे थीटा पता है एच बाई आर इन टर्म्स ऑफ थीटा कौन से एक्सप्रेशन से निकल के आया था कहां से निकाला हमने एच बाई आर इन टर्म्स ऑफ थीटा आज का पहला सवाल बताओ क्या फॉर्मूला निकल के आया था आज का पहला सवाल R by H is equal to 4 upon 10 theta. तो H by R कितना हो गया? 10 theta by 4. हमने ये उठा के इसमें पुट किया. तो 10 phi is equal to 2 times 10 theta by 4. तो देखो ना एक फॉर्मूला ही आ गया मेरे पास मैं आज जो सवाल करवा रहा हूं आपको एक एक छोटे छोटे फॉर्मूले देते जा रहा हूं इस तरह के सवालों के लिए आपको आगे से इतना करना नहीं पड़ेगा। कभी भी हाईएस्ट पॉइंट पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछा जाए और मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को फाई बोल दूं और अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो क्या एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया मेरे पास याद रखने लायक? यस सर। अब बताओ कितना होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस क्वेश्चन में कितना दिया था मैंने क्वेश्चन मिटा दिया कितना लिया था हमने थीटा 45 डिग्री तो यहां पे लगाया 10 phi is equal to half आ गया 10 45 तो 1 है यानी कि अगर आपको phi लिखना है तो 10 inverse half या फिर approximate लिखना हो तो बताया था मैंने आपको mathematical tools में कितना होता है ये जब 10 inverse 263 है तो 10 inverse half कितना होगा so 30 नहीं 90 में से घटा दो 90 में से घटा दो मैथमेटिकल टूल्स के समय ये बातें आपके सामने आ चुकी हैं। अभी बताएं क्या ये फाई समझ में आ गया कि नहीं कैसे निकाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक नया कॉन्सेप्ट था आपके लिए यहाँ पे क्लियर है? यस सर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद सपोज
चौथा सवाल लेते हैं, और इसी एंगुलर प्रोजेक्टाइल में मान लीजिए जैसे मूविंग प्लेटफॉर्म से कोई चीज प्रोजेक्ट की जाए, तो आप बताओ, मैंने 1D मोशन में भी ऐसा बताया होगा कि अगर चलते हुए जैसे वो बैलून वाला क्वेश्चन लिया था आपकी क्लास में, यस सर, तो आप ये बताओ अगर मूविंग प्लेटफॉर्म से कोई चीज प्रोजेक्ट की जाए तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब कैसे, क्या ध्यान रखा जाता है इनिशियल वेलोसिटी का? सर हमारे आपके जो वेलोसिटी होगी वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और वो पहले ऊपर जाएगा। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, आप बस में बैठे हो, पहले मैं आपके सामने आ जाता हूँ ताकि आप मेरे को देख सकें, अभी बोर्ड तो देखना नहीं है। आप बस में बैठे हो और बस उधर जा रही है, बस उधर जा रही है, एक छोटा सा सवाल है मेरा, मैंने मेरे आगे एक सवारी बैठी है, मेरे पीछे एक सवारी बैठी है, मैंने एक बॉल को ऊपर उछाला, छत के नहीं टकराई, थोड़ा ऊपर उछाला, अब बस चल रही है, तो क्या वो बॉल मेरे हाथ में आएगी या पिछले के पास चली जाएगी? पिछले के पास चली जाएगी, आपके हाथ में आएगी। नहीं, एक बच्चा ये भी तो बोल रहा था, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, बताओ एक बार दोबारा से सुनो ध्यान से, तीन लोग हैं, एक आगे है, एक मैं हूं, एक पीछे, मैंने किसी चीज को ऊपर उछाला कि वो 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड हवा में रही है, वो गई आई, बस चलती जा रही है, जब तक वो बॉल ऊपर गई बस चलती जा रही है, तो आप यूं बताएं दोबारा वो मेरे हाथ में आएगी या पीछे वाले के हाथ में आएगी या आगे वाले के हाथ में जाएगी? सर आपके हाथ में। क्यों बस तो निकल, क्यों बस नहीं निकल गई यार आगे, मैंने उसको फेंक दिया, बस तो निकल गई आगे, फिर मैं तो बस में बैठा हूं भाई, मैंने तो बॉल को ऊपर उछाला, बॉल तो ऊपर गई है, मैं तो आगे निकल दिया, तो क्या वो मेरे हाथ में आएगी बताओ? तो कुछ लॉजिक तो दो, मतलब कुछ भी आप जो बोलना चाह रहे हो उसके पीछे, मैं जो बोल रहा हूँ क्या ये सही है कि गलत है ये बताओ, मैंने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल अभी 5 सेकंड तक ऊपर घूम के आ रही है, क्या 5 सेकंड तक ड्राइवर बस को रोक कर रखे भाई आ जाने दो इसकी ये बॉल, आ जाने दो उसके बाद चलेंगे आगे, ऐसा होता है क्या? तो फिर बताओ फिर क्या, फिर कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ थोड़ा आप सही हो, ठीक है अभी मैं समझाता हूँ, मैंने एक दिन हमारे हाथ की वेलोसिटी उसके अंदर जा रही है। हाँ सही है, देखो एक दिन एक बच्चे से मैंने पूछा, छोटे बच्चे से, मतलब आप सोचो यार छोटा बच्चा क्या सोच सकता है, छोटे बच्चे से मैंने पूछा कि भाई हवाई जहाज कैसे उड़ती है, हवाई जहाज कैसे उड़ती है, मैं सिंपली एक चीज से जानना चाह रहा था, मैं कुछ और ही कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा था कि इनको अभी इतना आता है कि नहीं आता है, उसने तो यार तगड़ा ही जवाब दिया मेरे को, बोले जैसे दिल्ली से और मुंबई जानी है हवाई जहाज, तो बोले हवाई जहाज दिल्ली से ऊपर उठेगी, अब बोले धरती घूम रही है, जब मुंबई आएगा वो नीचे रख देते हैं, ऐसे होता है क्या, ऐसे होती है हवाई जहाज? तो ये समझ में आया उस बच्चे का जवाब क्या था, ये समझ में आया आपको? बोले दिल्ली में हवाई जहाज उसको ऊपर हवा में उठा देते हैं, फिर धरती घूम रही है, थोड़ी देर में जब मुंबई आ जाएगा उसको रख देते हैं, तो हवाई जहाज उतर गया मुंबई में, चलो ये भी उसका एक अपना सोचने का तरीका था, क्या उसने सोचा, परंतु इसमें गलती क्या है, लॉजिकली गलत क्या है कि जब धरती घूम रही थी तो जब हवाई जहाज उठेगी तो उसमें धरती वाली स्पीड तो रहेगी रहेगी, क्योंकि वो इस प्लेटफॉर्म से अलग हुई है। सिमिलरली अगर आप बस में बैठे हो तो आप किसी चीज को ऊपर प्रोजेक्ट करते हो तो एक एक्स्ट्रा स्पीड है, आपका हाथ क्या रुका हुआ था जब आपने वो बॉल को ऊपर फेंका, या हाथ आगे मोशन में था? मौसम में था, तो बॉल में एक स्पीड तो पहले ही आ गई और एक वो आ गई जो आपने दी है। अब हम इस चीज पे आएंगे, मैं क्वेश्चन के बजाय क्वेश्चन तीन हम ले चुके हैं, अब हम लेते हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म, ये चीज हम ले रहे हैं, प्रोजेक्शन फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म। 10th वालों का टेस्ट का हमारा टाइम रोज 7 बजे का है, पर आपकी आज क्लास इस समय तो मैंने 7:30 का किया, क्योंकि थोड़ा लिंक भेजना टाइम भी लगता है और अभी पता नहीं फ्री कितने बजे हूं, इसलिए प्रोजेक्शन फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म। ये देखें, मान लो एक कोई गाड़ी है और मैं कहता हूं ओपन कार, दिस इज द ओपन कार, ऊपर कुछ नहीं है, इसे रेल रोड कार भी बोल देते हैं, रेल रोड कार, ओपन कार या रेल रोड कार इस तरह से नाम दे दिया जाता है, ये ओपन है, ऊपर से मतलब कोई छत वाला कोई चक्कर ही नहीं है,
और मैं कहता हूं कि ये कार आगे जा रही है किसी वेलोसिटी, कार की वेलोसिटी क्या मान है, वी नॉट मान ले कार की वेलोसिटी, मान लो कार की वेलोसिटी है वी नॉट, इस तरह से। अब इसमें मैं तीन आदमी बना रहा हूं, एक बीच वाला जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर है मतलब जो प्रोजेक्ट करेगा, एक इससे आगे जो ड्राइवर है और एक पीछे जो कंडक्टर है जो ग्रीन सिग्नल देगा कि भाई चलो भाई चलो। ये है, ये तीन मैंने बना दिए। इस आदमी ने एक बॉल को ऊपर उछाला है, इस आदमी ने एक बॉल को चलती हुई बस में ऊपर उछाला है, कितनी माने स्पीड, यू नॉट बोल देता हूं, जैसे इसको वी नॉट बोला है, इस आदमी ने इसको स्पीड दी यू नॉट वर्टिकली अपवर्ड। अब मेरा सवाल यह है कि ये बॉल मैं इनको नाम देता हूं 1, 2, 3, कि बॉल 1 के हाथ में दोबारा लौट के आएगी, 2 के हाथ में लौट के आएगी या 3 के हाथ में लौट के आएगी, ये मेरा सवाल है। क्या आंसर होगा आप बताओ, क्या आंसर होगा? ना, गलत। आंसर ये होगा कि वो किसी के भी हाथ में जा सकती है, डिपेंड करती है कि कार की इस वक्त वेलोसिटी वी नॉट है लेकिन उसके बाद कार की वेलोसिटी कांस्टेंट रही कि बढ़ी कि कम हुई। मैं आपको तीनों केस दिखाता हूं यहां। पहला केस में लेता हूं, केस फर्स्ट में ले रहा हूं, कार इज मूविंग यूनिफॉर्मली, कार इज मूविंग यूनिफॉर्मली, ये मैंने पहला केस लिया, यानी कि कार की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। और एक मैं चौथा आदमी और बैठा रहा हूं ग्राउंड पे, ये चौथा आदमी है ग्राउंड पे, ठीक है यार, ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा बन गया, मतलब इसको लगेगा पता नहीं क्या जा रहा है, इतने बड़े तो इसके टायर है, चलो कोई नहीं। अब देखो, अब अगर मैं इसका प्रोजेक्टाइल का मोशन देखूं, ये जो पार्टिकल इसने थ्रो किया है तो उसका मोशन किस तरह का है, पैराबोलिक है कि स्ट्रेट है, ये बताओ। जो पार्टिकल मैंने थ्रो किया उसका मोशन किस तरह का है, पैराबोलिक है कि स्ट्रेट है? अगर स्ट्रेट हो गया तो गाड़ी तो आगे निकल लेगी, अगर स्ट्रेट ही हो गया तो मेरे हाथ में कैसे आएगी फिर? अगेन आपका जवाब गलत है, डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कौन है। अब आप ध्यान से सुनो, तीनों बातें ध्यान से देखना। जैसे ये बॉल इसके हाथ से सेपरेट हुई, बॉल में एक नहीं बॉल में दो स्पीड है, यू नॉट तो उसने प्रोजेक्ट की परंतु उसके हाथ में खुद वो स्पीड है जो गाड़ी में थी वी नॉट, तो जैसे ही बॉल यहां से अलग होगी, अलग होते ही बॉल में दो स्पीड आएगी, एक तो यू नॉट ऊपर और एक वी नॉट आगे, तो नेट वेलोसिटी जो बनेगी बॉल की, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वो तो ये बनेगी इधर, आया समझ में, आ रहा है क्या समझ में क्या हुआ है? और ये किसी एंगल थीटा पे बनेगी, क्या इसकी वेलोसिटी और जी की डायरेक्शन पैरेलल है एक दूसरे के, तो पाथ तो पैराबोलिक होगा, कल पढ़ा था ये हमने, समझ गए हो? तो ये यूं चलेगा, ये बॉल यूं चलेगी यहां तक। अब कोई ग्राउंड से देख रहा है ना तो उसे तो लगेगा बस भी आगे गई और बॉल भी आगे गई, लेकिन हर वक्त ये ब्लू वाला आदमी इस बॉल के नीचे ही चलता रहेगा हर वक्त, क्योंकि बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी है। हमने पढ़ा है कि जब किसी पार्टिकल को एयर में आप थ्रो कर देते हैं तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, पढ़ रखा है ना ये, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली आदमी में वेलोसिटी वो रहनी है जो बस में है और बस की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम ही बनी रहेगी, तो हॉरिजॉन्टली हर वक्त वो जो बॉल है इस वन के ऊपर ही रहनी है, तो इसको लगेगा कि पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, जबकि बाहर वाले को लगेगा कि पाथ कैसा है, पैराबोलिक। क्या ये समझ में आया यहां तक? हाँ जी बताओ, क्या यहां तक समझ में आ गया, क्या बताया मैंने? Yes, दूसरी बात, जिस वक्त ये बॉल दोबारा इस लेवल पे आएगी, गाड़ी यहां आ चुकी होगी, और ये ब्लू वाला आदमी बिल्कुल यही होगा दोबारा से इसके हाथ में, जो बाकी दो लोग हैं वो भी एज इट इज ही बैठे होंगे, ये जहां था वहीं रहेगा, पीछे वाला भी जहां था वहीं रहेगा। अब
बॉल ने देखो कितना तगड़ा पैराबोलिक पाथ कवर कर लिया और इस आदमी को पता ही नहीं लगा। वन को क्या लग रहा है, वन को क्या लग रहा है कि वो बॉल हमेशा उसके ऊपर ही रही है, तो वन को तो पाथ कैसा नजर आएगा, स्ट्रेट लाइन, लेकिन ग्राउंड से देखें तो पाथ पैराबोलिक है। पहले तो ये बताओ क्या ये शुरुआत हुई है इसकी, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब एक दो बातें और, अगर t इक्वल टू जीरो पे इसने थ्रो किया तो कितनी देर के बाद ये इसके हाथ में आएगा, या पूरे रास्ते में मैक्सिमम हाइट क्या होगी, या फिर इसने बॉल ने जो हॉरिजॉन्टल रेंज कवर की वो क्या होगी, इन तीन बातों का हमें और जवाब चाहिए। आप बताओ पैराबोलिक पाथ में टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला था? अगर मैं इसे ओरिजिन मानूं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, आप बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला था? अभी याद भी तो लिखा, टू टाइम्स, बोले टू टाइम्स आगे बोलो, बोलो, अरे यू बोलो ना, आप फॉर्मूला तो बोलिए एटलीस्ट, फिर मैं आगे बताऊंगा। टू टाइम्स, देखो ये यू है, ये यू है इनिशियल वेलोसिटी, टू टाइम्स यू साइन थीटा अपॉन जी। क्या हमने कल इसको यू आई लिखा था? क्या कल एक बार ये बताया था कि आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं? Yes, sir. और यू आई कितना है, इस यू का वाई के अलोंग कंपोनेंट कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट? U0. तो डायरेक्ट आंसर है 2U0 बाई जी। आज कोई थीटा वीटा का चक्कर नहीं, सीधा कंपोनेंट दिख रहा है। उसके बाद मैक्सिमाइट का फॉर्मूला बताओ क्या था, बोलो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। क्या हमने कल इसको ये लिखा था, यू आई स्क्वायर अपॉन 2G? तो आज बताओ क्या आंसर आ गया, क्या आंसर आया था फिर मैक्सिमम हाइट का, यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2G। तो अगर सवाल पूछा जाए कि बॉल कितनी देर में नीचे आएगी या बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक गई, क्या इनकी वैल्यू गाड़ी की स्पीड पर डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी? गाड़ी की नहीं सर, बिल्कुल नहीं करेगी, आप क्या स्पीड दे रहे हो उस पर डिपेंड करेगी। अब तीसरी बात आती है रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या था, रेंज का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या था, यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन टू थीटा विच इज टू साइन थीटा कोस थीटा। क्या कल इसको एक बार हमने ऐसे लिखा था, टू बाई जी इंटू यू एक्स इंटू यू वाई, बताया होगा यार आपको? Yes, sir. तो यू एक्स और यू वाई तो दिख रहे हैं यहाँ पे, यू एक्स कितना है, वी नोट, और यू वाई यू नोट। तो देखो डायरेक्ट आंसर आ रहा है 2G इंटू यू नॉट वी नॉट, ये आपका आंसर आ गया रेंज का। तो इन चलती हुई चीजों में अगर आप किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं तो थोड़ा इस तरीके से आपको आंसर निकाल लेना चाहिए। पहली बात ये बताओ कि यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अब अगली चीज ये कि अगर गाड़ी एक्सलरेट कर रही है या डिसलरेट कर रही है, और आपकी जो गाड़ी की स्पीड थी उस समय जब आपने प्रोजेक्ट किया उस समय वी नोट थी, वैसे गाड़ी एक्सेलरेट या डिसेलरेट कर रही होगी, जब आपने प्रोजेक्ट किया उस समय स्पीड वी नोट थी, तो क्या अब ये आपके हाथ में आएगा कि नहीं आएगा? देखिए अगर गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है तो आप कम स्पीड से चल रहे हो, आप मतलब आप पत्थर बॉल, गाड़ी तेज चल रही है तो आदमी आगे निकल लेगा, तो किसके हाथ में आएगी बॉल, ब्लू रेड या ग्रीन? ग्रीन, ठीक है। और अगर गाड़ी ने ब्रेक लगा रखे हैं तो इसके बाद इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड तो कांस्टेंट रहनी है, प्रोजेक्टाइल की तो कांस्टेंट रहनी है, लेकिन गाड़ी की स्पीड कम होती जा रही है, तो बॉल ज्यादा चलेगी गाड़ी कम चलेगी, तो अब किसके हाथ में जाके जानी हो, रेड। क्या ये बातें समझ में आई? मेरा अगला सवाल, क्या बॉल की हॉरिजॉन्टल रेंज इस बात पे डिपेंड करेगी कि गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है कि डिसेलरेट कर रही है या कांस्टेंट वेलोसिटी? यस सर, सवाल पूरा होने दो, आप केबीसी में थोड़ी बैठे हो। क्या बॉल की रेंज इस बात पे डिपेंड करेगी कि गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है कि डिसेलरेट कर रही है या उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है? नो सर। फिर
इतनी जल्दी आंसर बदल गया? हाँ भाई बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी, वो तो बस उस समय वी नॉट है, बॉल तो वहीं जानी है जहां जानी है। गाड़ी एक्सेलरेट करेगी तो ग्रीन वाला पकड़ लेगा बॉल को, गाड़ी डिसेलरेट करेगी तो रेड वाला पकड़ लेगा बॉल को, और गाड़ी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चलेगी तो ब्लू वाला। क्या क्या बॉल की रेंज में कोई फर्क आ रहा है क्या कभी भी? नो सर। समझ में आया आपको? अब मैं इसी में देखो, मुझे बार बार ये डायग्राम नहीं बनाने पड़ेंगे, बस वो केस चेंज करना है। सपोज कीजिए मैं केस सेकंड लिखूं कि रेल रोड कार जो है वो एक्सेलरेट कर गई। सपोज केस सेकंड इज कि कार इज एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, कार आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है और मैं उसका आगे एक्सेलरेशन ए नॉट मान लेता हूं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वेलोसिटी तो वी नॉट थी, लेकिन आगे ही एक्सेलरेशन है ए नॉट। अब बताओ बॉल किसके हाथ में आनी है, कौन से के हाथ में आनी बॉल? ग्रीन। इसका मतलब ग्रीन यहां दिखाना होगा, ब्लू यहां दिखाना होगा और रेड आगे। देखिए गाड़ी थोड़ी सी चेंज करते हैं, गाड़ी नहीं चेंज करते हैं, आदमियों की पोजीशन चेंज करते हैं। ये है गाड़ी रेल रोड कार। अब ग्रीन के हाथ में ये आनी है, इट मींस जो ग्रीन वाला इंसान है वो यहां है, जो ब्लू वाला है वो यहां है, और जो रेड वाला है वो और भी आगे है। अब देखो ये इसके हाथ में है। अब कई बार जैसे सवाल यूं पूछ लेते हैं, बताओ जिस आदमी ने प्रोजेक्ट की उससे कितनी दूर बॉल गिरी है, जिस आदमी ने प्रोजेक्ट की उससे कितनी पीछे बॉल गिरी है, तो ये वाला दूरी मान लो इस आदमी से आर नॉट पीछे बॉल गिरी है। समझ में आया आर नॉट क्या है? जिस आदमी ने प्रोजेक्ट की उससे कितना पीछे बॉल गिरी होगी, तो ये कैसे निकाले आप ये बताओ कि आर नॉट कैसे निकाले, बताओ आर नॉट कैसे निकाले सर? अगर हम इसको ग्राफ में देखें तो ये जैसे वी का वी नॉट का कंपोनेंट होता है वैसे दिख रहा है। वी नॉट का कंपोनेंट होता है ना, मेरी समझ में नहीं है ये बात क्या बोला आपने। सुनो क्या बॉल की रेंज में कोई फर्क पड़ा पहले तो ये बताओ? नो सर। नहीं पड़ा बॉल की रेंज में कोई फर्क नहीं। वैसे मैं आपको एक डायरेक्ट छोटा सा तरीका बताऊं कि कैसे आप आर नॉट सीधा लिख सकते हो, सीधा मतलब रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए कैसे लिख सकते हैं। आर नॉट आपका डायरेक्ट आंसर होगा हाफ ए नॉट टी स्क्वायर डायरेक्ट, और टी तो ये है ही, तो कितनी देर में बॉल गिरी है डायरेक्ट आंसर। कैसे है सुनो भाई, बॉल तो चली वी नॉट टी, हमें रेंज का फॉर्मूला आता है ना, रेंज होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। समझ गए हो रेंज? और जो गाड़ी चली ये ब्लू वाला आदमी वो तो गाड़ी के साथ साथ है, तो गाड़ी कितना चली, गाड़ी चली एस इज इक्वल टू यू टी, यू आगे है वी नॉट टी प्लस हाफ ए नॉट टी स्क्वायर गाड़ी। अरे अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ, यही गाड़ी यहां तक है, तो अब आप बताओ आर नॉट कितना है। बॉल तो हवा में चली, उसकी तो रेंज का ये फॉर्मूला होता ही है, गाड़ी टी टाइम में इतना जा चुकी होगी क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन है, बॉल यहां से यहां तक आई, गाड़ी जितना ब्लू आदमी गया वो, तो ये बॉल कितना पीछे गिरी, क्या आप दिख रहे हैं S माइनस R? Yes, sir. आगे समझ में, एक बार में ये दिख रहा है यहां से कि R नॉट इज इक्वल टू S माइनस R, और S माइनस R करेंगे तो कितना होगा सर? वी नॉट टी कट जाएगा, यही तो होगा जो मैंने लिखा, ठीक है, हाफ इंटू ए नॉट इंटू टी स्क्वायर, आया समझ में? और t की वैल्यू पुट करनी है तो भाई ये पहले ही हमने निकाल लिया कि बॉल कितनी देर में नीचे आनी है वो गाड़ी की स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, वो है 2 u नॉट बाई g। तो अगर मैं उसमें रखूं तो r नॉट आया हाफ a नॉट इंटू 4 u नॉट स्क्वायर बाई g स्क्वायर, मतलब इसमें पुट कर दिया। चलिए अभी बताओ क्या r नॉट समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ठीक है, एक आखिरी केस, थर्ड केस सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। कार इज एक्सेलरेटिंग की बजाय एसी हटा के डी लगा दिया, डिसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली ए नॉट। तो इस बार प्रोजेक्शन टाइम पे गाड़ी की स्पीड तो आगे थी लेकिन एक्सेलरेशन पीछे थी। अब बताओ बॉल किसके हाथ में जानी है? सर
रेड वाले के हाथ में। अब जो बोल जाएगी रेड के हाथ में जाएगी, देखो दोबारा से मतलब तो छोटा सा ही चेंज है, इधर देख लीजिए आप। अब जो बॉल है वो रेड के हाथ में जानी है, बॉल अपनी जगह जानी है, बॉल कहीं नहीं चेंज हो रही, गाड़ी वाले ही घूमते जा रहे हैं। देखिए ये एच है, सब कुछ वही है। दोबारा अगर मैं गाड़ी बनाऊं तो गाड़ी ने ब्रेक लगा रखे थे तो गाड़ी इतना आगे नहीं जा पाई, गाड़ी इतना आगे नहीं जा पाई जितना बॉल गई, और ब्लू वाला आदमी थोड़ा पीछे रह गया, ब्लू वाले ने बॉल उछाली थी और वो थोड़ा पीछे रह गया, और रेड वाला ड्राइवर सोच रहा है यार ये क्या हो रहा है, बस चलान नहीं दे रहे, पीछे से पत्थर मार रहे हैं, जबकि वो तो आदमी खुद खेल रहा था अपने आप, और ये पीछे रह गया यहाँ पे। हाँ जी, इस बार भी अगर पूछा जाए कि बॉल फेंकने वाले से कितने आगे गई, तो कितनी आगे गई इस बार, आगे पिछली बार पीछे, ये दूरी भी हमने पिछली बार की तरह बोल दी, कितनी आर नोट, फिर से बताओ आर नोट क्या सेम होगा, वही हाफ एन नोट पर या अलग होगा? अलग नहीं होगा, बिल्कुल अलग नहीं होगा। देखो बॉल कितना गई, बॉल तो वही चली, बॉल ने तो रेंज चलनी है वी नॉट इनटू टी, लेकिन ये ब्लू वाला आदमी कितना गया एस, वो तो गाड़ी जो चलेगी वो है, गाड़ी चलेगी वी नॉट टी माइनस हाफ ए नॉट टी स्क्वायर, ये माइनस क्यों हो गया, एक्सेलरेशन पीछे, ठीक है ना, एक्सेलरेशन पीछे है तो वो आगे वाला डायरेक्शन पॉजिटिवली। अब बताओ ये पूरा आर ये एस, तो इस बार आर नोट मैं आर माइनस एस लिख सकता हूं, पिछली बार एस माइनस आर बन रहा था, इस बार बना आर माइनस एस, आर माइनस एस बताओ क्या वही आ रहा है कि नहीं सेम, और ये टाइम फ्लाई नहीं था। तो अब बताओ मुझे क्या मूविंग प्लेटफॉर्म से, हॉरिजॉन्टली मूविंग प्लेटफॉर्म से ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे आप, जहां भी जरूरत पड़ेगी इस तरह से? Yes, आज की क्लास में पहले तो मैंने तीन सवाल आपको करवाए, जो तीनों एक एक फॉर्मूला आपको देके जा रहे थे, एक एक कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हमने पढ़ा प्रोजेक्शन फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म। अब देखो ये प्लेटफॉर्म कैसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली कि वर्टिकली? हॉरिजॉन्टली। और आप प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हो? वर्टिकली। ऐसा भी हो सकता है कि प्लेटफॉर्म वर्टिकली मूव कर रहा हो और आप प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टली कर रहे हो। एक एक लास्ट केस में वैसा बता देता हूं, केस फोर्थ हो जाएगा, बाकी तो फिर कल करेंगे वही इससे आगे काम, लेकिन एक लास्ट केस यहां का देखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन? यस सर। ठीक है, केस नंबर फोर्थ, मान लो प्लेटफॉर्म तो वर्टिकली मूव कर रहा है, जैसे लिफ्ट है, एक आदमी ग्राउंड पे है, फिर से ऑब्जर्वर दो होंगे, एक आदमी ग्राउंड पे है, एक आदमी यहां है, ये वही ब्लू वाला ले लेते हैं जो पिछली बार था, प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है मतलब लिफ्ट मूव कर रही है वर्टिकली विद अ वेलोसिटी वी नॉट, और इसने किसी चीज को फेंक दिया हॉरिजॉन्टली, थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा यार तो दिखाएं कैसे, बच्चा नहीं है बड़ा आदमी है, इसने किसी चीज को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड यू नॉट। अब देखना है कि पत्थर का मोशन कैसा होगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि मोशन कैसा होगा, बताओ स्टार्टिंग करो पत्थर में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? सर यू नॉट। बस बस ओनली यू नॉट। क्या आपके हाथ की वेलोसिटी पत्थर में नहीं आएगी? यू नॉट प्लस वी नॉट मत बोलो, पत्थर में इनिशियली दो वेलोसिटी होगी, यू नॉट तो वो जो आपने दी है फेंक के, और एक वो जो आपके हाथ में अपने आप है लिफ्ट की वजह से, कितनी वी नॉट। ठीक है, तो जो नेट वेलोसिटी बनेगी पत्थर की वो तो इनका वेक्टर सम बनेगी, ये यू बनेगी, ये एक्स एक्सिस, समझ गए हो ना आप, तो और ये वाई एक्सिस, तो अगर यू एक्स की जरूरत पड़े या यू कॉस थीटा की जरूरत पड़े तो यू कॉस थीटा तो कितना हो गया इसमें यू नॉट, एंड यू साइन थीटा की जरूरत पड़े तो यू साइन थीटा कितना हो जाएगा वी नॉट। ठीक है, अब इसका जो मोशन होगा, सपोज एच आई ऊपर से मैंने प्रोजेक्ट किया है,
मान लो एच आई टू पर से प्रोजेक्ट किया है, तो ये जो बॉल है ये यूं जाके हवा में कहीं मैक्सिम हाइट पे जाएगी एंड देन यूं आके नीचे टकराएगी। आगे मोशन आया समझ में क्या है? जिस आदमी ने इसे हॉरिजॉन्टली फेंका है क्या उसको ऊपर जाती दिखेगी क्या? आप बताओ, मैं किस चीज को लिफ्ट में यूं फेंक रहा हूं, पहले यूं नजर आएगी ऊपर गई, इसको नहीं आएगी। लेकिन अगर बाहर से कोई देख पा रहा हो, ट्रांसपेरेंट सी लिफ्ट हो, तो उसको लगेगा कि पहले तो ये बोलू, ये बिल्कुल वही तो काम हो गया, बेलून वाला करवाया था मैंने आपको क्वेश्चन, है ना, वन डी मोशन में, कि आप उसको रिलीज करते हैं तो बाहर वाले को लगेगा कि पहले वो बॉल ऊपर गई है एंड देन उसके बाद वो बॉल नीचे आई है। क्लियर ना? हाँ भाई बताओ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं क्या नहीं? ठीक है, अब इसमें आप पहले तो मुझे रेंज बताओ कि कितनी दूर ये जाके टकराएगा, टाइम बताओ कितनी देर बाद जाके टकराएगा, कैसे निकालें इस केस में, कैसे निकालें? चलो ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है, आप खुद एनालिसिस करेंगे कि अगर मुझे ये रेंज निकालनी हो कितनी दूर जाके टकराया, आर कैसे निकालें, और अगर टी बराबर जीरो पे प्रोजेक्ट किया है तो टी टाइम पे टकराएगा तो टाइम कैसे निकालें, ये दो चीजें आपको निकाल के बतानी है इस केस में। समझ में आ गया आज का काम क्या दिया मैंने आपको, फोर्थ केस? यस सर। ठीक है, देखो ये कर पाओगे तो इसका मतलब आपकी क्लास समझ रहे हो, कार में किसी चीज को फेंका, लिफ्ट में फेंक रहे हैं। तो आज हमने देखो, मैं एक बार जस्ट रिपीट करता हूं, चार बातें सीखी हैं, चार बातें। पहला सवाल आपको एक फॉर्मूला देखे गया आर एच और थीटा में, बताए क्या रिलेशन आया था? आर बाई एच इज इक्वल टू 4/10 थीटा, पूरा बोला करो। दूसरा फॉर्मूला आपको एक इक्वेशन ऑफ पाथ देखा गया इन टर्म्स ऑफ रेंज, क्या इक्वेशन आई थी? y इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा इंटू वाई, एक्स इंटू टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स वाई आर, y इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स वाई आर। तीसरा क्वेश्चन आपको एंगल ऑफ एलिवेशन का फॉर्मूला देखे गया एट द हाइएस्ट पॉइंट, टेन फाइव इज इक्वल टू, बोलिए बोलो बोलो बोलो, टेन फाइव इज इक्वल टू बोलो यार, हाफ इंटू टेन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आ गया ना समझ में? और चौथा केस आपको यह सिखा के जा रहा है कि मूविंग प्लेटफॉर्म से अगर आप किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं, मूविंग प्लेटफॉर्म से अगर आप किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं तो कब तो वो आपके हाथ में आएगा, आगे गिरेगा तो कितना आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा तो कितना पीछे गिरेगा। और फिर मैंने एक काम आपको करने के लिए दिया कि वर्टिकली मूविंग प्लेटफॉर्म और मैं हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहा हूं, मैंने डायग्राम वाइग्राम बना के दे दिए आपको, दो काम कैलकुलेट करने आर और टी किस किस की टर्म्स में, एक तो यू नॉट दिया है, एक वी नॉट दिया है, और क्या दिया है बताओ, किस किस की टर्म्स में आपको निकाल के लाना है, ये जो मैंने लेफ्ट वाला आपको क्वेश्चन दिया है किस किस की टर्म्स में आप निकाल के लाएंगे भाई? सवाल आ गया समझ में, क्वेश्चन आ गया आपको समझ में? मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं इसको आपके लिए, थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं क्योंकि हो सकता है आप फटाफट कर दे। मैंने वी नॉट तो उस समय की वेलोसिटी दी जब ये फेंका गया, साथ में लिफ्ट में कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दी, कितनी A-note. ये लगभग वो केस हो गया जैसे गाड़ी आगे एक्सेलरेट कर रही थी फेंकने के बाद। यस सर। ठीक है, अब आपको क्या क्या करके लाना है आज, एक तो एच दिया है, एक वी नोट दिया है और एक ए नोट दिया है, इनकी टर्म्स में यार आप ये चीजें निकाल के लाओगे, एक आर और एक ए टाइम ऑफ फ्लाइट करोगे अब ये काम। ठीक है, मैं क्लास ऑफ करता हूं। यस सर। ठीक है, ओके बाय।